हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेली डिजिटल क्लास। दोस्तों, आज बीकॉम सेम वन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जो है हमारी आज का इस टॉपिक, आज का इस लेक्चर है। अगर आप भी देखना चाहते हैं बीकॉम सेम वन, बीकॉम की लेटेस्ट अपडेट और ऑल बीकॉम सेम वन 5-3 वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। आज का इस वीडियो है हमारा बीकॉम सेम वन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर हमारा है 3 और चैप्टर का नाम है शेयर मोड़ीना व्यवहारों। उसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा बीकॉम सेम वन का फर्स्ट लेक्चर है। इसके बाद लगातार अगर बीकॉम सेम 5 के तो मैंने वीडियो अपलोड किए हुए हैं, बीकॉम सेम 1 के भी वीडियो अपलोड करने की मैं कोशिश करूँगा, सेम 3 के भी वीडियो मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और अच्छी वीडियो लगती है तो आपने लाइक कर दें, और इम्पोर्टेंट है लगती है आपको तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ये फर्स्ट लेक्चर है हमारा बीकॉम सेम वन का चैप्टर का नाम है शेयर मोड़ीना व्यवहारों, चैप्टर नंबर थ्री शेयर मोड़ीना व्यवहारों। वो स्टार्ट करने से पहले आपको आमनोंद आनी बहुत ही ज़रूरी है। आमनोंद अगर आपको आती है तो आप समझो कि ये चैप्टर आपको आ गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आमनोंद आप कह सकते हैं कि काफ़ी बढ़िया इम्पोर्टेंट है। अगर एग्ज़ाम में आपको सम नहीं आता और आपको आमनोंद आती है तो आप आमनोंद के 50% मार्क्स आप खींच सकते हैं। प्रोफेसर जो भी चेक करने वाला होगा वो आपको, अगर समझो कि 14 मार्क्स का अगर आपका सम है तो 7 मार्क्स आपको आमनोंद के मिल जाएंगे। तो देखते हैं कि ऐसा तो क्या है इस आमनोंद में, समझ लेते हैं। सबसे फर्स्ट आमनोंद जो है कि ज्यारे शेर अर्जीना नाड़ा मड़े त्यारे, ठीक है। जब शेर अर्जी किसी ने की थी और उसके हमें जब पैसा जो भी नाड़ा है वो हमें मिलते हैं तो उसकी अमाउंट कैसे होगी। तो सबसे फर्स्ट अमाउंट है, अगर बैंक में अगर हमारे पैसे आते हैं तो बैंक डेबिट होगी, बैंक उधार होगी, और शेर अर्जी हमारी क्रेडिट होगी। इसके बाद शेर अर्जी ना नाड़ा मूड़ी खाते ले जावा मावे। जब हम शेर अर्जी के जब नाड़े हम नाड़ा हम हमें जब मिलते हैं उसको हम शेर मूड़ी के कैपिटल की तरफ, अगर मूड़ी की तरफ अगर हम ले जाते हैं तो उसकी अमाउंट क्या होगी। तो देख लीजिए, शेर अर्जी ना नाड़ा खाते उधार और शेर मूड़ी खाते जमा। इसी तरह जब हमारी ऊपर शेर अर्जी हुई थी सिर्फ उसकी आमदन दी, अब क्या हुई है शेर मंजूर हो चुके हैं। तो उसके अगर नाड़ा अगर हमें मिलते हैं, जो हमने नाड़ा मिले नहीं है पर उसकी अगर हम अर्जी कर नाड़ा मंगाने की आमदन करते हैं तो कैसे होगी। तो सबसे पहले शेर मंजूरी खाते उधार, शेर मूड़ी खाते उधार, शेर मूड़ी खाते जमा। जब मंजूर हो जाते हैं उसकी जब अमाउंट हमें मिलती है तो उसकी आमदन कैसे होगी। तो अगर बैंक में अगर हमें नाड़ा मिलते हैं तो बैंक खाते उधार और शेयर मंजूरी खाते जमा। और इसके बाद जब फर्स्ट हफ्ता, शेयर के अलग अलग हफ्ते होते हैं, शेयर अगर 10 रुपये का शेयर है तो 2-2 रुपये कर या 3-3 रुपये कर जब भी हम अपने कंपनी पर डिपेंड होता है कि वो कितने रुपए तक के हफ्ते मंगाती है, तो शेयर फर्स्ट जब से प्रथम हफ्ते के जब नाड़े अगर हमें मिलते हैं तो उसकी आमदन कैसे होगी। शेयर प्रथम हफ्ता खाते उधार और शेयर मूड़ी खाते। और इसके बाद जब इसकी अमाउंट हमें मिलती है, शेयर प्रथम हफ्ता की जब अमाउंट मिलती है तो ये हमें शेयर प्रथम हफ्ता के नाड़े अगर हमें, हमने तो आमदन इसकी डाल दी लेकिन वह सही टाइम पे अमाउंट सही तारीख में अगर इसकी अमाउंट हमें नहीं मिलती तो इसकी हमें अमाउंट कैसे करनी है, मड़वाना बाकी हफ्ता खाते उधार ते प्रथम हफ्ता खाते। इसके बाद ये
दूसरी अमाउंट जो दूसरी अमनोन होती है वो कैसी है, शेर जपती अंगिनी अमनोन, शेर जपती की अमनोन है वो भी आपको याद कर लेनी है कि जरे मूल किंमत शेर बाहर बाड़वामां आवे अने तेज किंमत जप्त थाय, जो हमने शेर बाहर पाड़े थे जितने के वही कीमत अगर हम जब्त करते हैं तो उसकी। ये शेर जब्ती क्या होता है दोस्तों कि अगर कोई अपना शेयर होल्डर है उसने शेयर खरीद रखे हैं और जब वो शेयर की रकम हमें नहीं देता तो हम उसके शेयर जब्त कर लेते हैं। तो शेयर जो हमने बाहर पाड़े थे और उसने शेयर की रकम नहीं भरी तो उसके हम शेयर जब्त करेंगे, तो उतनी ही कीमत में जब हम जब्त करते हैं तो उसकी अमाउंट अमनोन कैसे होगी, तो इक्विटी शेयर मूडी खाते होता तो शेयर जब्ती खाते अने मलवाना बाकी हफ्ता खाते जमा। इसके बाद सेकंड है कि अगर हमने प्रीमियम बाहर पाड़वामां आवे अने प्रीमियम थी रकम ना मळे, प्रीमियम जब हमने बाहर पाड़ा और उसकी रकम ना मिले तो इक्विटी शेयर मूड़ी खाते उधार, जामीनगिरी प्रीमियम खाते उधार अने ते शेयर जप्ती खाते जमा, ते मळवाना बाकी हफ्ता खाते जमा। इसके बाद तीसरी अमाउंट है जयरे शेर वटावथी बाहर पाड़वामां आवे अने वटावनी रकम चोपड़े नोंधवामां आवे, वटावथी बाहर पाड़ा था और वटावथी हम नोंध करते हैं तो उसकी अमाउंट है इक्विटी शेयर मूड़ी खाते उधार, ते शेर जप्ती खाते जमा, ते शेर वटाव खाते अने मळवाना बाकी हफ्ता खाते जमा। ये लास्ट अमनोन है, ये अमनोन है शेर फरीदी बाहर पाड़वामां आवे। शेर फरीदी बाहर पाड़वामां ये क्या होता है दोस्तों कि हमने जो शेर जब्त किए थे वो जब्त किए हुए शेर फिर से अगर हम बाहर पाड़ते हैं तो उसकी अमनोन कैसे होगी उसके बारे में है। तो शेर मूड़ कीमत करता ऊँची कीमत बाहर पाड़वामां आवे, इसमें क्या है कि शेयर एक्चुअल वैल्यू जो 10 थी वही कीमत से बाहर हमने नहीं पाड़े, उससे कम कीमत में हमने बाहर पाड़े, 8 रुपये में हमने बाहर पाड़े, तो उसकी आमदन कैसे होगी, बैंक खाते उधार, शेयर जब्ती खाते उधार अने शेयर मूड़ी खाते जमा। इसके बाद सेकंड आमदन है इसकी कि शेयर मूड़ कीमत फरीदी बाहर पाड़वामां आवे, जो कीमत में हमने जब्त किए थे वही कीमत में अगर हम बाहर पाड़ते हैं तो उसकी कीमत उसकी आमदन कैसे होगी, बैंक खाते उधार, वटाऊ खाते उधार, शेयर जब्ती खाते उधार अने ते शेयर मूड़ी खाते जमा। इसके बाद तीसरी आमदन जरे शेयर मूड़ कीमत थी वधारे कीमत बाहर पाड़वामां आवे, जितने का हमने शेयर जब्त किए थे उससे ज़्यादा की अगर हम बाहर पाड़ते हैं उसकी ज़्यादा की कीमत से अगर हम बाहर पाड़ते हैं शेयर तो उसकी अमाउंट क्या, उसकी आमदन क्या होगी, बैंक खाते उधार, थे इक्विटी शेयर मूड़ी खाते, थे जामीनगिरी प्रीमियम खाते। इसके बाद लास्ट आमदन है शेयर जब्ती खाता ने तफावत मूड़ी अनामत खाते ले जावामां आवे, इसका तफावत कौन सा तफावत कि अगर हमारी मूड़ कीमत है उससे अगर हमने कम अमाउंट में बाहर पाड़े तो वो दोनों का डिफरेंट, अगर हमने ज़्यादा जो शेयर की जो एक्चुअल वैल्यू थी उससे ज़्यादा में अगर हमने शेयर बाहर पाड़ा तो वो दोनों का डिफरेंट, उसको मूड़ी अनामत की तरफ अगर हम ले जाते हैं तो उसकी अमाउंट कैसे होगी, शेयर जब्ती खाते उधार और शेयर मूड़ी अनामत खाते जमा। तो दोस्तों ये छोटा वीडियो था, फर्स्ट लेक्चर था हमारा, तो इसके आने वाले समय में मैं इसके सम है वो मैं अपलोड करूँगा, तो आप पहली बार आए हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाले समय में मैं और इम्पोर्टेंट वीडियो बनाता रहूँगा। अगर वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक करें, समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में करिए, मैं आपका आंसर देने का कोशिश करूँगा और हो सकेगी तो मैं वीडियो बनाकर आपको सामने पेश करूँगा। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपके लिए, अगर आपको अच्छा लगा है लाइक कर दे और इंपॉर्टेंट लगा है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।